हाय दोस्तों, फारिक फैशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हल्टर नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का भी बटन दबा दें, जिससे कि नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो आज का जो मेजरमेंट रहेगा वो प्रिंसेस कट हॉल्टर नेक ब्लाउज जो कटिंग करेंगे उसका मेजरमेंट रहेगा, वो सीना रहेगा, चेस्ट रहेगा 34 इंच रहेगा, और जो वेस्ट रहेगा वो 30 इंच, और जो लंबाई रखेंगे वो 14 इंच रखेंगे, और 1 इंच इसमें हम मार्जिन रखेंगे, टोटल 15 इंच रखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फैब्रिक पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी मार्किंग और कटिंग किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को 10 इंच पर जमा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर में एक निशान ड्रॉ करेंगे। इस तरह हम 10 इंच पे फैब्रिक को जमा लेंगे। 10 10 10 10 टोटल 20 इंच पे हम फैब्रिक को जमा लेंगे। उसके बाद हम किस तरह मार्किंग लगाएंगे वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर टेप को इस तरह रखेंगे, वहाँ पे 4 इंच सबसे पहले ऊपर में हम मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद 4 इंच के बाद सीधा हम 7 इंच पर आर्म होल के लिए हम यहाँ पर मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद हम लंबाई जो रखेंगे वो 14 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, टोटल 15 इंच यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हम नेक यहाँ पे 8 इंच लो देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, जहाँ पे 4 इंच लिया था, फिर यहाँ पे 7 इंच लिया था आर्म होल के लिए, वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे लेंथ लिया था लंबाई, वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल ये देखिए 15 इंच, और ये देखिए 7 इंच, और ये देखिए ऊपर से 4 इंच, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से जो सेकेंड वाला लाइन है वहाँ से हम लेंगे डार्ट के लिए 9.5 इंच पे मिड पॉइंट बनाएंगे, और यहाँ इधर साइड से 4.25 इंच लेंगे, और इस तरह डार्ट को हम मिला देंगे। नीचे भी सेम हम लेंगे 4.25 इंच, और फिर उसके बाद हम इस तरह इसको मिला देंगे लाइन को। इस तरह हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हमारा डार्ट लग के रेडी हो चुका है। अब हम नाइन इंच यहाँ पे लेंगे, और 9 इंच यहाँ पे लेंगे, 18 18 36 होएगा, और तो वो 1 इंच डार्ट के अंदर चले जाएगा, 1/2 इंच। यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे, और यहाँ से इस तरह हम ऊपर वाले लाइन से हम इस तरह शेप देंगे, और यहाँ नीचे तक हम शेप दे देंगे। आर्म होल वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था वहाँ तक मैं हम शेप दे देंगे। फिर उसके बाद 2 इंच यहाँ पे हम ऊपर में लेंगे, फिर 2 इंच यहाँ पे भी लेंगे नीचे वाले लाइन के पास, और फिर उसके बाद इस तरह हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह सीधा लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद ये आर्म होल के लिए हम यहाँ पे इस तरह गोलाई सा हल्का सा शेप देंगे, 1 इंच यहाँ पे इसकी दूरी रहनी चाहिए जो मैंने गोलाई का शेप दिया है। आप इसको 1 इंच बराबर नाप के यहाँ पे गोलाई का शेप दे दीजिएगा। उसके बाद इसको प्रिंसेस कट किस तरह बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ से इस तरह हम डार्ट के पास से इस तरह इसको हम मिला लेंगे सेंटर में, आर्म होल के जस्ट सेंटर से हम यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। याद रहे ये हॉल्टर नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है। यहाँ पे राउंड शेप एकदम अच्छे से ले लेंगे। बता रहा हूँ
ये देखिए, अब गला को किस तरह काटेंगे वो देख लीजिए। इस तरह हम गले को कटिंग करेंगे। ये हमारा हॉल्टर नेक गला वाला प्रिंसेस कट का गला कट के रेडी हो चुका है। अब इसका ये बैक में इस तरह जाएगा, यहाँ से ये राउंड मुड़ जाएगा और इस तरह इसका शेप हम दे देंगे। अब इसका प्रिंसेस कट किस तरह कटिंग करेंगे वो समझने से पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो सेम 10-10, 20 इंच पे जैसे फैब्रिक को जमाया था उसी तरह से फैब्रिक को जमाएंगे। तो फैब्रिक को हम 10 इंच पे जमाने के बाद उसके ऊपर जो फ्रंट कटिंग किया था उसको सेम हम उसको ऊपर से बिठा लेंगे। सेम यहाँ जिस तरह हमने फ्रंट के लिए लाइन ड्रॉ किया था उसी तरह हम आमूल के पास लाइन ऊपर में एक लाइन ऊपर में एक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इस तरह बिछा लेंगे जो फ्रंट हम मैंने कटिंग किया था और उसको आर्म होल के पास रखेंगे सीधा। इस तरह जिस तरह मैं रख रहा हूँ इसी तरह आप भी रख लीजिएगा। उसके बाद हम बैक सीधा रहेगा स्ट्रेट। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा डाउन रहेगा, इसको हल्का सा हम डाउन कर देंगे और साइड की भी कटिंग इस तरह हम कर लेंगे सेम। उसके बाद हम बैक के लिए डार्ट को उठा लेंगे। ये बैक का डार्ट इस तरह हम उठा लेंगे। ये हमारा बैक कट के रेडी हो चुका है। अब हम चलिए फ्रंट पे आएंगे और प्रिंसेस कस के कट के किस तरह कटिंग करेंगे वो समझेंगे। तो चलिए अब हम प्रिंसेस कट को किस तरह कटिंग करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डार्ट लगाया था, डार्ट के लिए हमने लाइन ड्रॉ किया था, वहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसको आर्म होल तक पूरा हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको पेपर पे कटिंग कर लीजिए पहले, उसके बाद आप फैब्रिक पे कटिंग करिए, क्योंकि ये जो फैब्रिक हुआ कटिंग इसको भी यहाँ से हम डार्ट को निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको दूसरे फैब्रिक पे रख के इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये फेल हो गया। अब इसको हम दूसरे फैब्रिक पे इसको किस तरह कटिंग करेंगे वो देख लेते हैं। इस तरह हम डबल फैब्रिक पहले नीचे बिछा लेंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर से बिछा लेंगे जो मैंने फ्रंट से कटिंग कट के निकाला था। उसके बाद इसको हम किस तरह शेप देंगे वो देख लीजिए सही से। मेन यही इसमें प्रिंसेस कट का ट्रिक है। इसको पॉइंट के पास हम 1 इंच देंगे फैब्रिक एक्स्ट्रा, फिर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे और यहाँ पर मिलाते हुए हम इसको राउंड शेप देते हुए आर्म होल के पास तक हम इसको शेप दे देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और साइड से बराबर कटिंग करेंगे जैसा पहले था सेम, और आर्म होल वाला हिस्सा भी सेम कटिंग करेंगे और बाकी साइड इधर सेंटर में जो जॉइंट होएगा उसको हम 1 इंच यहाँ पे सेंटर के पास एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे मिड पॉइंट के पास। इसको हम फ्लॉप कर देंगे ऊपर वाले को और इसको आप चाहें तो पेपर पे पहले कटिंग कर लीजिए, फिर ये एकदम सही ये कटिंग हुआ। ये देखिए आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा बैक कटिंग होकर के इस तरह शेप इसका राउंड हल्का सा यहाँ पे सेंटर में डाउन और इस तरह फिर ऊपर की तरफ गया है। तो ये हमारा बैक में डार्ट विड सब रेडी हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि फ्रंट कैसा दिख रहा है। फ्रंट को इस तरह सेंटर में हम बिछाएंगे, उसके बाद हम इसके आजू बाजू में प्रिंसेस कट जो हमने कटिंग किया था सेकेंड फैब्रिक पे उसको लगा देंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट लग के रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे दोनों साइड प्रिंसेस कट को, और ये हमारा हॉल्टर नेक जो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इसी तरह
आप भी बेहतरीन कटिंग कीजिए। ये हमारा फ्रंट ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का बैक का हिस्सा, बैक स्ट्रेट रहेगा और फ्रंट पूरा ऊपर से आएगा, ये नीचे राउंड इस तरह नीचे ज्वाइंट हो जाएगा, बैक गला में जाकर ज्वाइंट होएगा। तो चाहे तो इसको आप सेंटर में इसको बटन भी लगा सकते हैं, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जिप डालना है, जो भी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।